मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ कि 2014 से आपने शुरुआत करी, एक तरीके से 2015 से मान लो 6-7 साल यूट्यूब पर आपको हो गए, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई यूट्यूब को खत्म करो, छोड़ो, यहाँ पे कुछ नहीं है? आप जॉब से तो शायद इतना पैसा नहीं कमा पाओगे जितना यूट्यूब से मिल जाता है। सो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जो 2014 से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं एंड अभी तक उनका चैनल ग्रो नहीं हुआ, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो मिस्टेक्स करो और आपका चैनल भी ग्रो ना हो। मैंने अपने यूट्यूब चैनल को 2017 में क्रिएट किया था एंड उससे पहले वो यूट्यूब के बारे में जानते थे, मेरे को लिटरली कुछ नहीं पता था। तो आज आप लोगों के प्यार से यहाँ पे पहुंच पाया हूँ, आप लोग अच्छे से जानने लगे हो, तो मैं आपको उनसे मिलवाने वाला हूँ एंड उन्होंने जो मिस्टेक्स करी आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन्होंने किस किस कैटेगरी के चैनल बनाए, कौन से चैनल बनाए, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी कौन सा चैनल चला रहे हैं एंड आपको और भी बहुत कुछ पता चलने वाला है उनके बारे में, तो उनका स्वागत करते हैं। तो आलिम भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपको ना बहुत सारे लोग जानते हैं। अरे वाह, सीरियसली थैंक यू। हमारा जो मीटअप हुआ था कर्नाट प्लेस पे, आलिम भाई मेरे मैनेजर थे भाई। यही है आलिम भाई, समझ गए। एंड 2014 में आपने चैनल कैसे क्रिएट किया था, आप बताओ मुझे थोड़ा। जैसा हमारा एक फेस्टिवल है, आपको ही पता है, मुहर्रम। मतलब हाँ, मुहर्रम बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। हाँ, वो मनाते हैं सभी लोग, और वो आने भी वाला है अभी 10 तारीख में। ओके। तो हम जब छोटे थे, हमारे जो मुहर्रम है शुरू से, मतलब बचपन से चला आ रहा है। ओके, ओके। तो अभी क्या है कि मैं उस टाइम बहुत एक्टिव रहता था यूट्यूब पे। ओके, ओके। मतलब हमें यूं नहीं पता था कि भाई यूट्यूब से पैसा भी कमाया जाता है, लेकिन वीडियो बनाना, गाने बनाना, मूवी बनाना, इस तरह के हम शॉर्ट्स में 4-5 दोस्त मिलकर के, मतलब आपको 2014 में अपलोड करना आता था वीडियो यूट्यूब। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैंने क्रिएट कर दिया था, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद मैंने डालनी शुरू कर दी थी। ओके, ओके। ठीक है, तो इसी हमारी जो वीडियो हम बनाते थे मुहर्रम की, तो उस पर हमने यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया, और उस पर अच्छा खासा रेस्पॉन्स भी आया, 5-5 लाख हमारी व्यूज भी आए हैं। मतलब 2014 में आपको 5-5 लाख व्यूज मिल गए। बिल्कुल। और आपको ये बात पता है कि 2014 में, गाइस आपको भी पता है ये बात कि 2014 में चैनल क्रिएट करते ही मोनेटाइज हो जाता था, पता थी आपको ये बात? ये बिल्कुल भी नहीं पता थी मेरे को। तो अगर इनको ये बात पता होती, 4-5 लाख व्यूज मिल रहे हैं एंड अभी भी आपकी वो वीडियोस यूट्यूब पर हैं। बिल्कुल। न्यूज 21 के नाम से एक चैनल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आ रहा होगा, तो वहां पे इनके काफी वीडियोस चले हैं। तो आपने 2014 में चैनल क्रिएट करके 2015-16 में वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। अपलोड करना शुरू कर दिया, जिन पे अच्छा खासा रेस्पॉन्स भी आया। हाँ, वो न्यूज वाला चैनल एक तरीके से आपका था? नहीं, न्यूज में मैंने बाद में कन्वर्ट किया, पहले वो अली का खाड़ा के नाम से वो चैनल करता था, फिर मैंने उसको न्यूज में कन्वर्ट किया बाद में। अच्छा, न्यूज में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि न्यूज वगैरह देते रहे। हाँ, बस न्यूज। मतलब चलो ठीक है, आपने एक चैनल न्यूज वाला बना लिया, अब उसके बाद आपने क्या किया? फिर न्यूज डालने शुरू कर दी मैंने। न्यूज डालने शुरू कर दी। एक दिन में कितनी न्यूज? मतलब 2-3 न्यूज मेरी जाती थी एक दिन में। हाँ, अरे भाई बहुत बढ़िया, एक दिन में 2-3 न्यूज बहुत बड़ी बात है। फिर क्या हुआ? उस वक्त मैंने मतलब बहुत मेहनत करी। ओके, फिर ओके। पढ़ाई भी चल रही साथ साथ, जब ये सब चीजें चल रही थी ना, फिर मैंने 10th क्लास की, उसके बाद फिर मैं देहरादून चला गया, फिर दिल्ली आ गया। इसी 4-5 साल के बीच में मैंने बहुत कुछ, बहुत सारे चैनल्स बनाए हैं। मतलब कुल मिलाकर घुमा फिराकर बात वहीं पर आ जाती है कि एक चैनल पर आपने रेगुलर नहीं बिल्कुल भी नहीं किया। मैं बताना चाहूंगा मैंने किन किन चैनल पे वर्क किया। जैसा अली का खड़ा हो गया मेरा, न्यूज 21 इंडिया हो गया, ये मेरा न्यूज का हो गया। उसके बाद मैंने किड्स के चैनल बनाए, उसके बाद मूवीज के रिव्यू के चैनल बनाए जिन पे मैं रिव्यूज करता था। और उसके बाद फिर जैसा इंस्टाग्राम पे कोई लाइव आ रहा है सेलिब्रिटी, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके वो मैंने डालने शुरू कर दी। गाइस, अब आप यहां से समझ जाओ कि सब कुछ ट्राई कर लिया। और एक और, जब पहले टिकटॉक चलता था ना, तो मैं क्या करता था, टिकटॉक की वीडियो 5-7 एक साथ कोलैबोरेट किया। समझ गया, समझ गया। देखो भाई, अभी इंस्टाग्राम रील्स चल रहा है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरे को पता है आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स वीडियोस डाउनलोड करके यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला, आपकी वीडियोस पर क्लेम आ जाएगा। हाँ, आपने भी कुछ पैसा नहीं कमाया। नहीं कमाया मैंने कुछ, नहीं कमाया ना। तो अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मैं गाइस आपको बताता हूँ, आलिम भाई को तो ऑलरेडी बता भी रखा है मैंने इसके बारे में, कि मेरा एक चैनल था टेक्निकल जुनेद एंड इसको भी मैंने दूसरा चैनल नहीं बनाया था, मैंने जुन्नू की टेक कर लिया था, इसका नेम चेंज किया था। तो आपने क्या किया कि 3 घोड़े हैं, एक सीधा जा रहा है, उसमें बुग्गी जुड़ी हुई है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मतलब वो बुग्गी आपकी चल नहीं पा रही, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसा ही आपने चैनल बना के कर लिया। अगर आप एक ही घोड़ा दौड़ाते तो शायद आज आपका चैनल बहुत ऊपर होता। बिल्कुल, ये तो हकीकत बात है, सच बात है ना। हाँ। और ऐसा होता गाइस, मतलब आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अलग अलग चैनल बनाते रहते हैं, भाई पहले एक चैनल पर रेगुलर काम करके तो देखो,
आप एक बात सच बताना, आपने एक चैनल पर कितने दिन तक रेगुलर काम किया है? मैंने एक चैनल पर जैसा ये तो जो अली का खड़ा था इस पे तो लगभग ये तो कई साल से चल रहा था। मतलब ये बताओ रेगुलर कितने दिन काम किया दिल से? बिल्कुल। अच्छा रेगुलर तो एक महीना दो महीना बस। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ना, मेरे पास आलिम भाई के पास में बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, जो हमारी ऑडियंस है आलिम भाई के पास मैसेज करती है कि एक महीना चैनल को क्रिएट किया चेक कर लो। एक महीना नहीं होता, चार वीडियो सपोर्ट करे चैनल को चेक कर लो। तो मतलब कुल मिलाकर बात है कि आप रेगुलर नहीं था। रेगुलर रहते तो बहुत आगे होते आज, क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं अभी, मतलब जो इस वक्त के धुरंधर हैं, उनके चैनल 2015 16 17 18 में, मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो आपके साथ के, वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं, वो एक चीज पे टिके रहे बट आप अलग अलग चीजें ट्राई करते रहे। लेकिन इससे क्या होता है कि अलग अलग चीजें ट्राई करना कोई गलत बात नहीं है। अब इससे आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, आप यूट्यूब पर कोई भी चैनल बनाओगे उसको इजिली ग्रो कर लोगे। तो अभी आप इस वक्त कौन सा चैनल चला रहे हो? अभी मेरा एक चैनल है टेक्नोराइजन, टेक्नोराइजन जिस पे 36,000 सब्सक्राइबर्स हैं लगभग। बहुत बढ़िया। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो अब इन्होंने एक चैनल को पकड़ लिया। हाँ पकड़ लिया ना। अब वहाँ पे क्या कंटेंट डालोगे? उस पे मेरा भी टैक्स रिलेटेड कंटेंट जा रहा है। वो 36,000 सब्सक्राइबर मैं बताया तो आपको कहाँ से आए हैं, क्योंकि लोग ये सोचेंगे जब चैनल चेक करेंगे भाई 36,000 सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज इसके वही। हाँ हाँ, आपका शॉर्ट्स वायरल हुआ था? एक शॉर्ट्स वायरल हुआ है जिसपे 9.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये देखो भाई, यहाँ पे भी कांड हुआ हुआ है थोड़ा सा। मतलब एक शॉर्ट्स वायरल हुआ आलिम भाई का एंड 36,000 सब्सक्राइबर्स मिल गए। चलो कोई बात नहीं, मिल गए। अब आप लॉन्ग वीडियोस रेगुलर अपलोड कर रहे हो, अब रेगुलर बहुत बढ़िया है, बहुत सही है। थंबनेल मैंने आपके देखी, एक नंबर लग रहा है, मतलब क्वालिटी है। तो सबसे पहली बात, आपको एक चैनल को पकड़ लेना है, आपको रेगुलर काम करना है। ऐसा नहीं करना जैसे आलिम भाई ने किया, एक महीने काम कर लिया, दो महीने काम कर लिया, छोड़ लिया, चैनल्स के नाम आपको काउंट करवा दिए, कैटेगरी भी बता दी आपको कौन कौन से चैनल्स पे काम किया, समझ गए ना, न्यूज भी भाई सब कुछ ट्राई कर लिया। बिल्कुल। तो अब आप टेक पे आ गए हो। तो अब एक क्वेश्चन ऑडियंस के माइंड में भी आया होगा, इसको कितने दिन बाद छोड़ोगे? नहीं नहीं, इसको छोड़ने का इरादा नहीं है कोई भी, इसको हम रेगुलर करने वाले हैं। अच्छा, रेगुलर बहुत करने हाँ। वाले हो। और उम्मीद है कि मतलब इस पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स अभी हाल ही में। तो गाइस बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आलिम भाई के भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स करवाओ। और हाँ, कंटेंट दोगे तभी होगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। इस बार कंटेंट मिलने वाला है। देखो भाई कंटेंट वही, अब आलिम भाई को कुल मिलाकर ये बात समझ आई, 2014 से आज 2022 आ चुका है, ठीक है, जब तो मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब होता क्या है। उस टाइम से आपको YouTube के बारे में पता है, तो अब इनको पता चल चुका है कि एक चैनल को लेकर चलना पड़ेगा, उसी पे अपलोड करने पड़ेंगे वीडियोस। तो आपका कोई चैनल मोनेटाइज हुआ इस बीच? हाँ, मेरा एक चैनल था वाओ टेक, टेक्नोराइजन से पहले वाओ टेक था, जो चैनल मोनेटाइज हो गया, लेकिन उस पे अच्छा रिस्पांस ना आने की वजह से मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया फूड में। तो भाई देख रहे हो ना। अच्छा एक बात बताओ, ये शायद आपको अच्छे से पता होगी, बहुत सारे लोग चैनल मोनेटाइज हो जाए, बस किसी तरह चैनल मोनेटाइज हो जाए, उसके बाद तो बस पैसा खेलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो आलिम भाई का चैनल मोनेटाइज हो गया बट पैसे में नहीं खेल ले, ऐसा नहीं कुछ खेल नहीं ले। है हाँ। आपको ऑडियंस बनानी है, ये नहीं कि बस चैनल मोनेटाइज करा लो, आपको ऑडियंस बनानी है। नहीं, ये मैंने देखा है कि मैं भी जब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो, बस किस तरह से 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, 4,000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए बस कैसा। लेकिन अभी कई महीने हो गए उस पर चैनल मोनेटाइज हुए, अब तक उस पर काम ही नहीं चल रहा है। तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आलिम भाई को YouTube का एक्सपीरियंस तो काफी हो गया बट एक चीज पे टिका नहीं जाता बिल्कुल भी, लेकिन इस बार टिक जाना। बिल्कुल, इस बार थोड़ा सा फुल मोटिवेशंस के साथ YouTube पर आए हैं और करना है। मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ कि 2014 से आपने शुरुआत करी, एक तरीके से 2015 से मान लो 6-7 साल YouTube पर आपको हो गए, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई YouTube को खत्म करो, छोड़ो, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं लगा कभी? नहीं, मतलब उस स्टार्टिंग में जैसा, तो उस स्टार्टिंग में तो नॉर्मली लेते थे, नॉर्मली था, लेकिन उसके बाद सीरियस जैसा मैं आया हूँ, जैसा 10th के बाद देहरादून गया, फिर दिल्ली आया, तो चीज़ों को समझने लगा, मतलब कि भाई हाँ, सोशल मीडिया की पावर समझने लगा कि भाई सोशल मीडिया से कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं, हम कैसे कमा सकते हैं, तो वो सब चीज़ें थी। मतलब आपके माइंड में है कि हाँ, ग्रो करना है और कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई भी मेहनत करेगा ना, तो कोई भी ग्रो कर सकता है भाई। लेकिन ये 5-6 घोड़े नहीं दौड़ाने हैं, नहीं है? और ना आपकी जो बुग्गी है ना, वही खड़ी बिल्कुल खड़ी रह जाएगी वहीं पर। आलिम भाई की बुड्डी बुग्गी बुड्डी आलिम भाई की जो बुग्गी है ना, वो खड़ी रह गई। अब एक घोड़े को लेके चल रहे हैं, उसको चढ़ा देना पहाड़। इसी तरह मैं अगर अपने करियर के बारे में थोड़ा सा बताऊं, मैं सिंगिंग में इंडियन आइडल में जा चुका, थर्ड राउंड से बाहर आ चुका इंडियन आइडल सारेगामा पास से। स्विमिंग में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, ताइक्वांडो में मैं ब्लैक बेल्ट था, और उसके बाद और भी मतलब क्रिकेट्स वगैरह थे, लेकिन ये था कि
एक लाइन नहीं, उसमें भी एक लाइन नहीं पकड़ी मैंने। यही तो देख रहे हो, मतलब आपने ट्राई तो सब कुछ करा लेकिन एक चीज को पकड़े नहीं होगा भी। ये बात अच्छी है कि कहीं ना कहीं एक इंसान को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एक कैटेगरी होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे मेरे को सक्सेस करने जाना है। हाँ हाँ बढ़िया, मैं समझ रहा हूँ। तो मेरे को ना आपसे एक ही बात सीखने के लिए मिली कि इतने साल देखे आपको कोई ऐसा तो नहीं लगता कि मेरा नुकसान हो गया? नुकसान तो नहीं हुआ, सीखने के लिए मिला, नॉलेज इकट्ठा करो। बहुत सारे लोग तो यही करते हैं कि 2-3 महीने रेगुलर रह के डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। भाई लोग, भाई 7-8 साल कोई छोटी बात नहीं होती। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 2-2 साल तक रेगुलर अपलोड करते हैं, 3-3 साल तक रेगुलर अपलोड कर देते हैं बट रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप क्यों नहीं हुए डिमोटिवेट? बस ये था कि घर वालों को सपोर्ट करना था, घर वालों भले ही, मतलब ये है कि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, बैकबोन अच्छी है, लेकिन सपोर्ट करना था, सपोर्ट करना था। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो अब आप कोई एक काम तो करते नहीं कि यूट्यूब पर ही लगा रहता हूँ, जो भी करते हो और भी बाकी के आपके काम है, तो खाली यूट्यूब पर भी नहीं है, बट अब मेरे को लग रहा है कि आप ग्रो करके दिखा दो। बिल्कुल ग्रो करके दिखा दूंगा, क्योंकि अब समझ में आ चुका, जब जब से मैं दिल्ली आया हूँ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का डिप्लोमा किया था और उसके बाद भी मेरे को उसमें NDTV में मैंने जॉब करी है, कुछ बड़े न्यूज़ चैनल NDTV में जो मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर्स हैं वहां पे काम करके आ चुके हैं, उसके बाद भी एक जगह नहीं टिके हैं, लेकिन अब टिकना पड़ेगा। हाँ, डिप्लोमा के बाद जैसा मैं डिप्लोमा कंप्लीट करा भारतीय विद्या भवन से, तो उसमें भी बहुत सारी लाइंस थी, जैसा हमें एंकरिंग में जाना है, रिपोर्टिंग करनी है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है। एंकरिंग कर लेते हो? एंकरिंग कर लेता हूँ। जैसे मान लो कोई बाहर लड़ाई बज रही है, वहाँ पे माइक वाइक लेके बोल लोगे? बिल्कुल बोल लूंगा, मतलब मेरे को भी लगता है एंकरिंग भी, रिपोर्टिंग भी, ओके ओके, और उसके अंदर फिर ग्राफिक डिजाइनिंग आ गया, वीडियो एडिटिंग आ गया, फिर वहां से मैंने एक लाइन पकड़ी है, ओके ओके, उसमें फिर मैंने लाइन चूज करी कि भाई मैं एडिटिंग में और ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकता हूँ। 2019 से और अब तक मैं इसी एक ही नीच में वर्क कर रहा हूँ, एक ही कैटेगरी में वर्क कर रहा हूँ, एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग में। बाकी यूट्यूब पर वीडियो डालता रहता हूँ, जैसे मतलब प्रॉपर रेगुलर नहीं, लेकिन ये है कि अपने करियर की तो मैंने एक लाइन चुन ली। हाँ हाँ, लेकिन अभी तक जिसमें सोशल मीडिया में है उसमें एक लाइन अभी तक नहीं पकड़ी, अब पकड़ी है। लेकिन चुन लोगे ना उस दिन यहाँ पे भी ग्रो कर जाओगे। हाँ। सही है ना? तो गाइस आपको यही सिखाना था कि भाई कितनी पावर है सोशल मीडिया में, इसके लिए लोग कितना वेट करते हैं, आप ही नहीं हो और भी होंगे बहुत सारे, बिल्कुल और भी होंगे आपके साथ के बंदे, ठीक है ना? तो भाई आप लोग, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप जॉब से तो शायद इतना पैसा नहीं कमा पाओगे जितना यूट्यूब से मिल जाता है, ऐसा है ना? तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं लेकिन वो यूट्यूब को भी करते हैं क्योंकि उनको यूट्यूब की पावर पता है, एक एक स्पॉन्सर का कितना पैसा मिलता है। तो गाइस डिमोटिवेट नहीं होने का है आपको, अगर जॉब कर रहे हो जॉब करते रहो, जब आपका यूट्यूब से इतना पैसा आने लग जाए कि आपको लगता है कि अब जॉब छोड़ देनी चाहिए, और मेरे को लगता है आपका यही प्लान है यही प्लान है कि जब यूट्यूब से इतना आने लगे कि भाई हम जॉब से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली मैं जॉब को छोड़ दूंगा। और एक बात मैं और एड ऑन करना चाहता हूँ, चीज़ में मैंने मतलब और भी बड़े क्रिएटर्स के साथ काम किया जिनके 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे महात्मा जी टेक्निकल हो गया, और उसके बाद फिजिक्स वाला है, आपने नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके साथ मैंने यूट्यूब पे काम किया। तो जब चीजें समझ में आई हैं, देख रहे हो मतलब काम कर चुके हैं क्रिएटर्स के साथ, बट अब अपना भी देख लो थोड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो गाइस आई होप आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिला होगा, और आलिम भाई के टेक्नो राइजन चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और एक लोगो भी आ रहा होगा साइड में, तो सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन एक प्रॉमिस करो, कंटेंट अच्छा आना चाहिए और रेगुलर आना चाहिए। बिल्कुल भाई, कंटेंट आपको बहुत यूनिक मिलने वाला है और रेगुलर आपको वीडियो मिलने वाली है, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो भाई सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सही तक के लिए अच्छा लगा आलिम भाई आपसे मिलके। तो गाइस आज की वीडियो आलिम भाई के साथ एंड करेंगे। हाँ, तो गाइस हम आपसे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें एंड बाय।